नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज का ये वीडियो VOD की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। मोहम्मद अब्दुल जी की तरफ से यहाँ पर कमेंट आया था कि पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन पर जो लोन मिलता है इसके बारे में वीडियो बनाइए, क्योंकि मिनिमम जो है 5,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो क्या GST लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है और कितना चार्ज लग रहा है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मेंशन करने को बोला गया है। साथ ही साथ इनको पता था कि हमने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है, तो हाँ ये सही है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन इस वीडियो से थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाया था। तो वो भी इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पर कि मैं जानता हूँ कि आप पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइए कि कितना चार्ज लगता है और किस तरह से ये बैंक अकाउंट में हम ले सकती हैं। तो दोस्तों इनका VOD अप्रूव्ड करके आज वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पेटीएम मर्चेंट अकाउंट यानी पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन में किस तरह से लोन मिलती है और कितना तक आपको भुगतान करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज़ नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से फाइनली इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जो आपको एक पैन कार्ड के थ्रू अकाउंट ओपन हो जाती है जिसमें आप मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका अगर दुकान है या फिर कहीं पर शॉप है तो आप मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं कस्टमर से पेटीएम वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करके। तो चलिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करते हैं और आपको बताते हैं इसमें विस्तार से कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है यहां पर आई है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि अपना अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको लोन के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा है या फिर नहीं। तो 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए। जब 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंट बिजनेस लोन की ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगर एलिजिबल होती हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको कितना तक लोन मिल सकता है। जिस तरह से पेटीएम पोस्ट पेड की सर्विस यहाँ पर दिया जाता था, सेम उसी प्रकार से बिजनेस लोन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कमिंग सून लगा हुआ है, यानी कि ये बोल रहा है कि अभी आपके इस अकाउंट पर पेटीएम की तरफ से कोई भी बिजनेस लोन नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेटीएम बिजनेस लोन चाहिए तो आपका ट्रांजैक्शन जो है यहां पर मनी जब एक्सेप्ट करती हैं तो वो रेगुलर आपका होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जो प्रतिदिन के तौर पर होना चाहिए, तभी आपको पेटीएम बिजनेस लोन मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर आपको कितना भी लोन मिल सकता है, आपके ट्रांजेक्शन और आपके एबिलिटी पर चेक किया जा सकता है कि आपको कितना तक लोन दिया जाए पेटीएम बिजनेस लोन। मैं आपको बता दूं कि आपको जो पेटीएम बिजनेस लोन मिलेगा वो बिजनेस अकाउंट में, जो बिजनेस अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दिए होंगे उसी बैंक अकाउंट पर ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही बात करें इसमें GST चार्ज या फिर टैक्स वगैरह की और कितना तक चार्ज लिया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह कितना तक लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि हमने आज कस्टमर केयर से बात किया है, उनका कहना सिर्फ यही है कि जिस तरह से आप EMI या फिर लोन लेते हैं सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना होता है कि 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने या फिर 24 महीने की यहाँ पर समय सेलेक्ट करना पड़ता है लोन चुकाने के लिए, तब जाके आपका डिसाइड होता है कि आपको कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साफ तौर पर बात क्लियर है। आप अगर EMI ही लेते हो तो देखते होंगे कि वहाँ पर सबसे पहले आपको बोलता है कि आप सेलेक्ट कीजिए कि कितने महीनों के लिए आप ले रहे हैं, उसके बाद ही वहाँ पर चार्ज किया जाता है कि आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो फाइनली मैं अभी बता नहीं सकता आपको कि पेटीएम बिजनेस लोन में आपको कितना परसेंट जो है यहाँ पर देना पड़ सकता है और कितना दिन के लिए आप लेते हैं तो कितना परसेंट देना पड़ सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि हमारे पास पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन जो है तीन चार अकाउंट है मेरे पास, लेकिन अभी किसी पर भी बिजनेस लोन की फैसिलिटी नहीं दिए गए हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि पेटीएम बिजनेस लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी एक्सेप्ट कीजिए अपने कस्टमर से या फिर खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5,000, कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ आपकी ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आप लोन लेना चाहती हैं तो आपका 3 मंथ का यहाँ पर स्टेटमेंट देखेगा, पेमेंट हिस्ट्री देखेगा कि क्या आपका पेमेंट में कितना तक रिसीव हुआ है और कितना तक आपका
सेटलमेंट हो चुका है उसी के अनुसार से आपको बिजनेस लोन दिया जाएगा। तो अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहती हैं तो कुछ महीनों तक आप अपना ट्रांजेक्शन को जो है एवरेज में रखिए, 5,000-10,000 पर मंथ के अनुसार से यहाँ पर ट्रांजेक्शन कीजिए। और ध्यान रहे कि 3 महीने का आपका ट्रांजेक्शन दिखा जाएगा तो यहाँ पर नोटिफाई मी पर क्लिक कर दीजिए। जब भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा पेटीएम बिजनेस लोन तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपका जो भी लोन मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा, वो आपके पेटीएम बिजनेस अकाउंट से रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट पर ही मिलेगा। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और मैक्सिमम आपको कितना लोन मिलेगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक तौर से मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम शायद 5 लाख रुपए तक लोन मिलते हैं इसमें, जो 5,000 से स्टार्टिंग होती है। और सही बात क्या है, कितना तक पेटीएम दे रहा है ये अकाउंट स्पेसिफिक है कि आपको कितना तक मिल रहा है और कितना तक मिलेगा। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें, अगर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो अपना पेमेंट जो है रेगुलर रखें, ट्रांजेक्शन रेगुलर होना चाहिए, जो मिनिमम मंथली का 5,000 होना चाहिए। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और 3 महीने तक आपका हिस्ट्री देखा जाता है, अच्छे खासे यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, तो आपको बिजनेस लोन जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाया था। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक दिया गया है जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ा सा और डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।